अरे आजा पर हे गाइस वेलकम वेलकम एंड बैक टू माय चैनल कैसे आप लोग आई होप आप सब अच्छे हो सो गाइस आज मैंने रश्मिका मंदना का मेकअप लुक रिक्रिएट किया है सामी सामी सॉन्ग में उन्होंने जो मेकअप लुक किया था जिस मैंने वो रिक्रिएट किया है बहुत ही सिंपल है सो मैंने ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल भी उन्हीं की तरह की है एंड झुमकी भी बहुत छोटी छोटी सी पहनी है सिंपल सा मेकअप लुक है स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप बताया है प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कैस मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो वहाँ पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स मेकअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फेस को कर लूंगी क्लीन एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का पॉमिंग रेनर टोनर सो इससे मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का ही टी ट्री एंड पपाया सीरम यूज करूंगी इससे मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड इसके मैंने टू से थ्री ड्रॉप्स लिए हैं एंड उसके बाद फिर अपने फेस पे इस तरह से मसाज की है एंड आइस पे भी एक मिनट तक इसी तरह से मसाज करूँगी सो so फेस में अच्छे से मसाज करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पर सीटाफिल का मॉइस्चराइजर लिया है एंड जस्ट वन पंप ही लूँगी उसके बाद मैं अपने फेस को कर लूँगी अच्छे से मॉइस्चराइज़ मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी मेकअप सो so सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एन का प्राइमर सो so इससे मेरे ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे इसलिए मैंने जस्ट टाइनी अमाउंट में ही इसे अप्लाई किया है देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कंसीलर सो so, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पर्पल का कंसीलर एंड इससे मैंने ऑरेंज शेड को पिक किया है एंड अपने डार्क सर्कल्स को और पिगमेंटेशन को हाइड कर लूँगी माउथ के अराउंड मुझे पिगमेंटेशन है सो मैं वहाँ पे इसको हाइड कर लूंगी देन ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूंगी सो बहुत ही लाइट लाइट ब्लेंड करना है अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो ओवर ब्लेंड हो जाता है इसलिए मैं ब्रश से ब्लेंड करती हूँ तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है देन उसी कंसीलर से मैं येलो शेड को पिक करूँगी एंड उसको भी अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कलर को अप्लाई किया जस्ट वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे देन ब्रश की हेल्प से इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी सो बहुत ही लाइट लाइट ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लैकमी का फाउंडेशन तो डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूंगी देन ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डैप ब्यूटी ब्लेंडर सो इससे अच्छे से ब्लेंड करेंगे बहुत ही आराम से एंड बिल्कुल डैप डैप करके ही ब्लेंड करना है हमें एंड गाइस मैं इस मेकअप लुक को बहुत पहले शेयर करना चाहती थी तो काफ़ी पहले मैंने शूट भी कर लिया था बट किसी रीजन की वजह से नहीं शेयर कर पा रही थी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी कंसीलर सो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर मेब्लिन फिटमी का कंसीलर लिया द शेड इज मीडियम ट्वेंटी फाइव सो इसको अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूँगी लाइक डार्क सर्कल्स पर नोज ऑफ़ द ब्रिज चिन एरिया पर फोर हेड पे एंड अप्लाई करने के बाद मैं इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी सबसे लास्ट में मैं अपनी आइज पर ब्लेंड करूँगी सो इस तरह से ब्लेंड करने के so, बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉन्ट्रोल कॉन्ट्रोल के लिए मैंने यहाँ पर एन वाई बी का कॉन्ट्रोल स्टिक ली है सो तो इससे मेरा फेस अच्छे से कॉन्ट्रोल हो जाएगा लाइक नोज पे मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रोल किया है एंड चीक्स पे इस तरह से कॉन्ट्रोल करने के बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूँगी सो तो अब मैं इसे सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट से सो so कॉम्पैक्ट के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फेसेस कनेडा का कॉम्पैक्ट एंड इससे सबसे पहले मैं अपनी आइज पे सेट कर लूँगी देन पूरे ही फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा एंड देन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी फेसेस कनेडा का काजल सो so काजल मैं अप्लाई करूँगी लोअर लैश लाइन पर एंड अपर लैश लाइन पर भी अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसे लाइनर की तरह ड्रॉ कर लूँगी बहुत ही लाइट लाइट देन आई शेडो से मैं लाइट ब्राउन शेड को पिक करूंगी एंड इससे अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से सो so, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा था देन मैंने ब्लश का कलर यूज़ किया था एंड इससे अपनी आईलेट पे अप्लाई किया था उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से जितना भी मैंने काजल अप्लाई किया उसको इस तरह से स्मच कर लिया था लोअर लैश लाइन पर एंड अपर लैश लाइन पर देन मैंने आईलेशेस को कर्ल कर लिया एंड अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेस कैंडा का मशकारा सो so, मशकारा अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज को कर लूँगी सेट लोअर लैश लाइन पे भी मैं अच्छे से अप्लाई करना है एंड यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ सो so, मैंने यहाँ पर आईब्रो पेंसिल को अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं इसको अच्छे से स्मच कर दूंगी देन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है शुगर का ब्लश एंड अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी शुगर का ही हाईलाइटर देन मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक्स लिपस्टिकली मैंने यहाँ पर पर्पल की लिपस्टिक को अपलाई किया है एंड इसका कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो प्लीज वहां पर जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा देन मैं अपने मेकअप कर लूँगी सेट सो so सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इन का मेकअप फिक्सर यूज किया है एंड बिंदी लगा ली है। सो हेयर इज माई फाइनल लुक सो so गाइज देखा ना आपने मेकअप कितना सिंपल था आप इसे पार्टी में भी यूज़ कर सकती हैं डिफरेंट ज्वेलरी के साथ एंड ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारा मेकअप लगेगा बहुत ही सिंपल था बहुत ही बेसिक था मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है एंड पास से भी मैं आपको मेकअप दिखा देती हूँ बिल्कुल भी क्रीज लाइन नहीं पड़ी है बहुत ही स्मूथ मेकअप है आई होप आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़टाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग आजा सामे 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 परम सामे, सनम सामे